सब लोग अच्छे, अभी सब लोग देखने जा रहे हैं, सब लोग अच्छा लग रहा है, लेकिन सर जब सर क्रिकेटर्स को शो मूवी दिखाने का डिसीजन क्यों था? क्योंकि उसमें से कुछ मेरे दोस्त हैं और ऐसे ही बातचीत हुई, तो फिर उनको भी देखनी थी फिल्म और मैं भी दिखाना चाह रहा था कि बिकॉज हाई एनर्जी फिल्म, क्रिकेटर्स आर कनेक्टेड टू दैट, सो दे आर ऑल वेरी एक्साइटेड, आई एम वेरी एक्साइटेड, दे आर वॉचिंग एंड दैट्स दैट। बेसिकली जो जो दोस्त यार हैं, जो नज़दीकी लोग हैं, वो सब देख रहे हैं एक एक करके, स्क्रीनिंग कर रहे हैं हम लोग, बट ऐसा कोई प्रीमियर का प्लान नहीं। आई एम वेरी हैप्पी, आई थिंक रिस्पॉन्स तो फर्स्ट प्रोमो से ही पॉजिटिव रहा है, एंड उसके बाद म्यूजिक भी पकड़ लिया बहुत अच्छी तरह से। अब लोग जब फिल्म देख रहे हैं रिलीज से पहले, उन सबको बहुत फिल्म बहुत बहुत अच्छी लग रही है, इसलिए हम काम करते हैं। तो आई एम जस्ट कीपिंग माई फिंगर्स क्रॉस्ड, आई एम वेरी श्योर दैट प्रोडक्ट इज वेरी गुड एंड ऑडियंस विल लव इट। अजय, दिस दिवाली दो बड़ी मूवी क्लैश हो रही है एक साथ बॉक्स ऑफिस पे, तो आपको क्या लगता है कि बॉक्स ऑफिस के रिकॉर्ड चेंज? 100 साल पुराना सवाल क्यों आप पूछ रहे हैं? इवन दो इट्स सन ऑफ सरदार एंड जब तक अनजान, इट्स लाइक ह्यूज, आई मीन इट्स द सेम क्वेश्चन व्हिच इज द पास्ट 20 डेज वी बीन आंसरिंग, योर क्वेश्चन इज सेम, द आंसर विल बी सेम, is that Diwali is a big period and it's a period where two films can release and comfortably release, and that's that. I think next 2 months will be fabulous for the film industry and for the audiences also, because unko wo dekhne ko milega jo wo dekhna chahte hain, aur industry ke liye agar sab film mein bahut achhi jaye to industry ka bahut bada fayda hoga. Thank you.